हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक मित्तल दिस साइड। एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एडवांस अकाउंटिंग बाय सीए प्रवीण शर्मा। जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सीए आईपीसी सीए इंटर के स्टूडेंट्स ने, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब। सो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। एडवांस अकाउंटिंग फॉर सी ए आई पी सी ग्रुप टू, ये 28th एडिशन है बुक का। एंड इसे सी ए प्रवीण शर्मा और सी ए कपिलेश्वर भल्ला जी ने लिखा है। तो बात करें तो कपिलेश्वर भल्ला सर जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, इसलिए शायद वो इस बुक के साथ जुड़े हैं। तो चलिए इसके इनसाइड कंटेंट के डिटेल्स ले लेते हैं। तो इस बुक में जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हैं 821, और 13 चैप्टर्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप डिटेल्ड कंटेंट देख सकते हैं इंडेक्स में, हर चैप्टर से रिलेटेड। एंड यहाँ 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं। सो इसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही जो है क्वेश्चन पेपर नवंबर 2017 एग्ज़ाम का मिल जाएगा। ये सॉल्व नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो चैप्टर, जो पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। उसके यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सर ने स्टार्टिंग में दे दिया गया है, फिर उसे मेथड्स डिपार्टमेंटल अकाउंट के समझाए हुए हैं। सो इसी फॉर्मेट में है सारा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशंस में सर ने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सेम इसी फॉर्मेट में यहाँ पे कंपटीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये एक तरीके से सेल्फ स्टडी बुक है, आप इसको एज अ सेल्फ स्टडी यूज कर सकते हैं। इसमें मोस्टली आपको सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, थ्योरी तक मिल जाएगी इसमें। अब मैं बात करता हूँ कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है। पहले इसमें थ्योरी है, पहले आपको चैप्टर की नॉलेज दी गई है, उसके बाद इसमें इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें इंक्लूड किया गया है। मोस्टली ये बुक जो है वो फॉर्मेट में है, एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं उसके लिए नोटिंग्स होती हैं, सो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, वर्किंग नोट्स हैं। अब मैं आपको एमलगमेशन में एक चीज़ दिखाता हूँ। सो क्लासेस में सर जैसे एमलगमेशन में पढ़ाते हैं वैसा ही यहाँ पे जो है इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट्स नीड टू रिमेम्बर जो है दिया हुआ है एमलगमेशन में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम क्वेश्चंस और एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें सॉल्यूशन दिए हैं, और मोस्टली हर चैप्टर में एग्ज़ाम क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये एक सेल्फ स्टडी बुक है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, तो ये एक सेल्फ स्टडी बुक है और इसमें मोस्टली सॉल्यूशंस पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें जो है सारे इंक्लूडेड हैं।
सो अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो माइंड में, ओल्ड सिलेबस के लिए बुक है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो माइंड में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली वीडियो आप CA IPC की कौन सी चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स।